फिर से वीडियो में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फ्रेंड आप अपने फेसबुक स्टोरी को आप जिसको चाहे उसी को कैसे दिखा सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप फेसबुक पर स्टोरी डालते हैं और फेसबुक स्टोरी को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं या किसी एक को दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने फेसबुक स्टोरी को किसी एक को भी दिखा सकते हैं, किसी से छुपा सकते हैं। तो अपने फेसबुक स्टोरी को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, किस तरह से छुपा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं थे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, सबसे पहले आपको फेसबुक पर क्लिक करना है और फेसबुक में अपने स्टोरी को किस तरह से छुपा सकते हैं, किस तरह से हाइड कर सकते हैं। फ्रेंड, क्या होता है कि आप यहां से अपनी स्टोरी को किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, किसी से छुपाना चाहते हैं, तो यहां से आप इजीली हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फेसबुक पर क्लिक करना है और फेसबुक पर स्टोरी हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए सबसे ऊपर में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। सबसे ऊपर में आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जब भी आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जब भी आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आपको सबसे नीचे मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब भी इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर फिर से आपको सेटिंग ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट में यहां पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब भी आप यहां से सेटिंग पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। देखिए यहां से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको फर्स्ट मिलेगा प्रोफाइल सेटिंग ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब भी प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करेंगे, अपने फेसबुक स्टोरी को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, आप जिसको चाहे उसी को दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, इस तरह से प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब भी आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। और ये देखिए यहां पर आपको सबसे नीचे मिलेगा स्टोरी सेटिंग का ऑप्शन। जब भी आप स्टोरी सेटिंग पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, तो यहां पर मिलेगा स्टोरी प्राइवेसी। देखिए फर्स्ट में लिखा है स्टोरी प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अपने फेसबुक स्टोरी को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, आप जिसको चाहे उसी को अपने स्टोरी को दिखा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। किसी को नहीं दिखाना चाहते उसे आप नहीं दिखा सकते, किसी को दिखाना चाहते हैं तो आप छुपा सकते, हाइड कर सकते हैं। देखिए यहां से फर्स्ट में पब्लिश है, यानी कि आपने पब्लिक पर टिप करेंगे तो यहां पर कोई भी आपको यहां से स्टोरी देख सकता है। अगर आप फ्रेंड पर टिप तो ओनली आपको फ्रेंड ही दिखेगा, लेकिन आपको हाइड करना है, छुपाना है, किसी को नहीं दिखाना है, किसी को दिखाना है, तो यहां पर हाइड स्टोरी फ्रॉम पर क्लिक करना है। जब भी आप हाइड स्टोरी फ्रॉम पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। फ्रेंड, मैं बता दूं कि यहां से आपको सभी फ्रेंड दिखेगा, यहां से आप सर्च भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मैं बता दूं कि किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहां पर आपको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो यहां से अपने आप चाहते हैं कि आपका जो फेसबुक स्टोरी हो कोई ना देखे तो यहां पर आपको टिक मार्क कर देंगे। सो फ्रेंड, तो यहाँ पर अपने कोई भी जो फ्रेंड को आप छुपाना चाहते हैं, किसी एक को छुपाना चाहते हैं, मान लीजिए इस फ्रेंड को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ अपने स्टोरी को, तो यहाँ पर आपको हाइड कर देंगे। जब भी आप यहाँ से टिक मार कर देंगे तो वो स्टोरी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर जिसको दिखाना चाहते हैं तो उसको आपको टिक मार से हटा देंगे, अगर किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टिक कर देंगे, वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे, यहाँ पर लिखा है हाइड स्टोरी फ्रॉम, और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कस्टम, कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इजिली आप दिखा सकते हैं जिसको आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से इस तरह से ये सेटिंग किया जाता है अपने स्टोरी को हाइड करने के लिए। यहाँ पर हाइड स्टोरी फॉर्म पर क्लिक करके अपने स्टोरी को जिसको चाहे उसी को दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, यहां पर लिखा है हु कैन सी योर स्टोरी, और यहां पर स्टोरी को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप स्टोरी को पब्लिश कर सकते हैं, फ्रेंड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो यहां पर अपने हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं अपने फेसबुक स्टोरी को, इस तरह से अपने फेसबुक स्टोरी को छुपा सकते हैं, अब जिसको चाहे उसी को अपने फेसबुक स्टोरी दिखा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।